आप देख रहे हैं समाचार न्यूज़, मैं आपके साथ रचना, आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। दमोह सागर मार्ग पर रफ्तार का कहर, शुक्रवार की सुबह हुई 3 घटनाएं। पहली घटना में छोटा हाथी ओवरलोड होने से 30 मजदूर घायल हुए, 6 गंभीर घायलों को किया गया सागर रेफर। दूसरी घटना में एक एलबीसी ट्रक के स्टेयरिंग फेल होने से रीवा निवासी बाइक दंपति बुलेट गाड़ी में मारी पीछे से टक्कर, दंपति घायल। तीसरी घटना में डाक बंगला के पास बाइक सवार को बचाने के चक्कर में 2 ट्रक आपस में भिड़े, बाइक सवार की मौके पर मौत। गढ़ाकोटा के मुर्गदरारिया का है बाइक सवार। सागर दमोह मार्ग पर रफ्तार का कहर के कारण बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसके कारण रोड पर दुर्घटनाओं के चलते कई लोग मौत के मुंह में चले गए हैं। शुक्रवार की सुबह लगभग 10:15 बजे रोन ग्राम में एक छोटा हाथी पलट गया, जिसकी सूचना डायल 100 को मिली कि छोटा हाथी रोन ग्राम में पलट गया। मौके पर डायल 100 पहुंची तो पता चला कि फसल की कटाई करने के लिए पमोरी ग्राम जा रहे पथरिया बासा के 30 मजदूर घायल हो गए और 6 मजदूरों को गंभीर अवस्था में सागर रेफर किया गया। बताया गया है कि ये मजदूर बमहोरी ग्राम में फसल कटाई के लिए जा रहे थे, छोटा हाथी में ओवरलोड सवारी होने के कारण हुआ था हादसा। दूसरी घटना में लगभग 11 बजे की है। दमोह सागर मार्ग स्थित भूरे बाबा की मझार के आगे इंदौर से एक एलसीवी ट्रक ने भोपाल से वाया सागर होते हुए बुलेट गाड़ी से जा रहे दंपत्ति को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, जिससे दोनों पति पत्नी को चोटें आई, जिन्हें लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ाकोटा लाया गया। बताया गया है कि एलसीवी ट्रक की स्टीयरिंग फेल हो गई थी। तीसरी घटना, लगभग 12 बजे दमोह सागर स्थित डाक बंगला के पास एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में 2 ट्रक आमने सामने से भिड़ गए, जिसमें बाइक सवार की मौके पर मौत। यह बाइक सवार गढ़ाकोटा तहसील के मुर्गदरारिया ग्राम का जय गोविंद उर्फ छोटू पिता नरेंद्र चौबे 27 वर्ष बताया गया, जिसे पोस्टमार्टम के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। इन तीनों मामले में थाना प्रभारी राजेश बंजारा ने जानकारी देते हुए कहा कि तीनों घटनाओं में लापरवाही, पूर्ण वाहन चलाने व अन्य मामलों को जांच में लिया गया। सभी मामले थाना गढ़ाकोटा में दर्ज कर लिए गए हैं।